बीती रात पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर हथखोज में कबाड़ बेचने और चोरी करने वाले गुट सूरज चौधरी, मनोज चौधरी और राहुल संतोष यादव गुट के बीच जमकर मारपीट हुई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक गुट ने हॉकी स्टिक, रॉड और धारदार हथियार से दूसरे गुट पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें मनोज चौधरी और सूरज चौधरी की मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर दूसरे गुट के 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है। हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने कबाड़ियों के बीच चोरी को लेकर गला काट स्पर्धा के चलते रविवार की रात दो युवकों की हत्या कर दी गई। गुटों का एकाधिकार स्थापित करने की होड़ खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक गुट के 16 लोगों को हिरासत में लिया है। कबाड़ियों के दो गुटों में आपस में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके कारण दो युवकों मनोज चौधरी और सूरज चौधरी पर दूसरे गुट के कबाड़ियों द्वारा धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने दी। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात दो गुट आपस में लड़ गए। ये कबाड़ चोरी के अवैध धंधे में इन्वॉल्व लोग हैं, दोनों पक्ष के लोग, और चूंकि पुलिस के द्वारा कबाड़ पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, और जिसके फलस्वरूप ये छोटी छोटी बातों को लेकर कबाड़ में जो प्रतिस्पर्धा है वो पुलिसकर्मी का हो नहीं पा रहा है, उस चक्कर में आपस में लड़ गए। और जो मृतक हैं सूरज चौधरी और मनोज चौधरी के द्वारा पहले इन पर हमला किया गया ईंट और पत्थर से, और उसके पश्चात ये आरोपियों ने एक राय होकर मनोज चौधरी और मृतक सूरज चौधरी को धारदार हथियार और चाकू से घटनास्थल पर भी घायल किया, जिसके थोड़ी देर बाद दोनों की मौत हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही आरोपी वहां से घटनास्थल से अलग अलग दिशाओं में भाग खड़े हुए, और पुलिस ने रात भर नाकेबंदी और खोजबीन करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन 15 आरोपी मिल गए हैं। एक दो संभवता हो सकते हैं, लेकिन ये 15 ही मेन है। गौरतलब है कि पुलिस की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद जिले में कबाड़ियों के ग्रुप सक्रिय हैं, जो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ताजी वारदात इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की रात्रि गश्त का अभाव शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जिसके कारण गैर कानूनी कार्यों में लिप्त अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रात्रि गश्त के अभाव में ही कबाड़ियों के गुट सक्रिय रहे और वर्चस्व स्थापित करने को लेकर दो लोगों की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।